यो गो थे देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल घर है ते स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम देख सको बिल्कुल नॉर्मल घर है अच्छा दादाजी भाई चार बार सरपंच रियडा ही सुना मिले जीते और सुनाडी एमएलए दो बार जीते तीसरी बार टिकट है दादाजी नर्वस कह हो नर्वस को <laughs> आज जोर पेला छागे रहे हो। एक ही है मारे का जे खाना पीना रोटी दही या चूर चार की दिया करोगी आवेदन चूर चूरमो तो चूर ही दे जब देखे तो भाई साहब आया मतलब एकदम पसीने हूँ कपड़ा पूरा गीला और जनता मतलब इतनी भीड़ लगभग दस से पंद्रह हजार राम राम जी पर थारो बहुत बहुत स्वागत है आज मैं एक की जगह पहुंची एक धरती पर यानी की जमीन पर पहुंची हूँ जो बिल्कुल जमीन न जुड़े रही और बताना चाहूंगी कि आप काफी बार यहाँ सोचता रहा अपना दिमाग में माइंड में कि जो विधायक हुए ही सांसद हुई ही मंत्री हुई ही वह पता तो कौनी की कि तरीकाओं रहता होगा वह तो शहर में ही शहर में रहे ही बाकन बहुत बड़ा बड़ा बंगला हुई ही बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हुई ही तो वह तो वह अंदर ही रहें अपने माइंड में आप बहुत सारी विचारधारा सोचता रहा तो आज मैं पहुंचू बीकानेर के अंदर ही विधानसभा क्षेत्र कोलायत श्री कोलायत के अंदर में आई हूँ और जो प्रेजेंट में विधायक ही भंवर सिंह जी भाटी बाके गाँव में आई हूँ हदा गाँव में दो हजार तेरह दो हजार अठारह को वो चुनाव लड़ू और निकले भी जीत भी, भी हासिल करी दो हजार तेरह और अठारह में निकले और बाको जो गाँव हदा गाँव हदा गाँव के अंदर मैं आई हूँ बताना चाहूंगी की भाई दो बार में मंत्री रही उच्च शिक्षा मंत्री और ऊर्जा मंत्री सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जादा जादा की प्लीज वीडियो ने ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है राजस्थान की पूरी जनता है बड़े तक यो पूरी जनता तक यो वीडियो पहुँचना चाहिए ज्यादा मे ज्यादा वीडियो शेयर करना ही यो घर थे देख रहे हो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल घर है मैंने बताने की जरूरत को नहीं तो स्क्रीन पर वीडियो का माध्यम देख सको बिल्कुल नॉर्मल घर है और भाई बात है पहले आपा घर बनाया कर बनाया करता तो दोनों साइड चबूतरा कर देता और बैठक बना देता लेकिन आपा पोली भी बोलिया करता अपनी लोकल भाषा में पोली भी बोलिया करता तो अठिन बैठक है और लेट बात ही तो सबसे पहले तो मैं बच्चों में बातचीत कर लूंगी कि भाई बच्चा के कुछ बोलना चाहूंगी के, के नाम है थारो नाम के बेटा शिवपाल थोड़ा तेज बोल कैमरा फोटो तेरी शिवपाल शिवपाल की क्या घर बैठे हुए बेटा की का घरे बवर सिंह सिंह भाटी कौन ही बह है आराम आराम बोलो बता के ही बह मंत्री जी के नाम है थारो कुलदीप सिंह तो कुलदीप ये पता होगी घर बैठे हो भवर सिंह भाटी अच्छा तो के ही भाई ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री ही बताओ विधायक ही, ही दो बार बने ही बने ही तो भाई वह थोड़ा सा नर्वस हो रही रहती तेरी भावना बात करो ना भैया बात करनी है तो कभी मंत्री जी था रहूं? मिली भी है बच्चों को मतलब भाई कदे स्कूल में जा रहा हो आ रहा हो या घूमता फिरता रहो हो आया एक दो बार आया मिले तो के कुछ बोल रहा है मतलब की तरीका मंत्री की निय बात करी या भाई एक चाचा बात करया करी है। चा चा बात करे तो कभी स्कूल में भी गयी बैठा रही आ, तो के कुछ मतलब स्कूल में जावी जिना था पढ़ाई किसी को है आहाँ, पूछता पूछता तो कभी यहाँ लाड भी लड़ाई थारा आ, या थाने डांट मारी ही थे जहाँ हदा गांव का ही हो ना सारा बच्चा आस पास का ही हो जब मंत्री जी ठेवी जायर हाँ बहुत बात है कोई ही बड़ो आदमी बन जाओ ही बड़ो मंत्री बन जाओ रिश्ता तो रिश्ता ही, ही तो टाबर देखो इज्जत अदब कितनी प्यारू बोलन लाग रही बाबो सा ही और वह मंत्री साहब भी तो आज दिखाऊंगी मैं बाको घर सबसो पहली गेट है तो सबू बातचीत कर से आपा। दादी जी राम 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 साहब सा, देखो दादी कितना प्यारू बोलन लाग रहे मेरा स्वागत करिय अच्छी लगी मैं हाँ अच्छी लगी भाई भाई दादी ने बढ़ाई करी तो मैं घर वाले <laughs> <laughs> तो नदी जी थानु बेरा कितना लोग देख रहे देखे बहुत दुनिया देखे लाखों हम लोग देख रहे हैं दुनिया देखे अब लोग यहाँ सोचे ही कि भाई जो मंत्री ही, हुई ही विधायक हुई बड़ा बड़ा अगर मम्मी पापा तो बेरोना की ऐसी रहता होगा तो आज थारी मैं थोड़ी सी जानना चाहूंगी कैसी के रो होते भाई सदा ही राम जी ही कहीं करनी है कहीं कलड करनी है सब दुनिया में तो सब एक सीरी सही है तो भाई दादी देव कितना प्यारो बोल रहे हैं की भाई जय ऐसा रही मैं रहा कोई बड़ा ही कोई कल डाई करने की मान्य जरूरत को नहीं है मेरे साथ मैं दादाजी ही भवन सिंह जी भाटी ही का पिताजी रघुनाथ सिंह जी जो तीन बारी जहाँ सरपंच भी रिया प्रधान भी रिया हा, और कांग्रेस पार्टी हुई काफी सालों से जुड़े रही दादाजी राम 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 कितने सालों थे कांग्रेस से जुड़े रहो कांग्रेस में काफी टाइम अच्छा, चालीस पचास साल होगी थे क्या ऐसी राजनीति में आया पहले क्या कुछ करया करता खेती बाड़ी करता, हाँ, करता। कितनी जमीन होगी धारकने? ज़मीन हाँ। तो बाद में राजनीति में जो हो गए संजोग हो गो तो सो पहले क्या को चुनाव लड़े होते थे चुनाव तो सरपंच अच्छा कैबर सरपंच रिया चार बार अच्छा दादाजी भाई चार बार सरपंच रेड़ा ही और एक बार के प्रधान रहे दादी एक बार प्रधान रहे तो दादाजी बोल रहे कम कहे ही कम तभी, तभी नर्म रहे नर्म आ, रहे तो तभी सही बोल शुगर है बीपी है धीरे धीरे बोले अच्छा अच्छा तो दादाजी जब थे राजनीति में आया हाँ हर गांव के अंदर की आप बात कर लिया मेरी बोली समझ पा रहे हो है ना तो भाई मैं बिका नेर की थोड़ी अलग थोड़ी सी कुछ कुछ वर्ड अलग ही कुछ कुछ शब्द अलग ही तो दादाजी जब सरपंच बने हा तो सबसे पहले कब सरपंच बने कौन सी सन में बने सरपंच तो सन तो याद गो नहीं बने दो तीन बार सुन चार बार तो गांव के अंदर माहौल हो जिस सरपंच बने सरपंच बने ठीक है मान लो गाँव में क्या क्या था कमी लगी ही जनाते राजनीति माया आया सरपंच करी कमी तो कहीं लागी स्कूल इस को नहीं जो सरपंच को जब चुनाव लड़े हो तो क्या सोच के लड़े हो स्कूल की बात करा रोड की बात करा कुछ ही को नहीं ही को नहीं, को नहीं। तो पहले लग्योग की मेरा बच्चा ने पढ़ाऊंगा तो स्कूल तो होनी चाहिए तो 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 जी जब शादी करके आया हा, हाँ। तो दादाजी पहली सरपंच बनेगा या को नहीं बढ़िया शादी कर तो हमारे बारह साल शादी कर दीनी सरपंच तो पिनिया शादी कर दस साल पचे

पचवी का निर्वे जी हो तो सब सात दिन का नहीं होगी हाल तो तो कौन है दादी जी जब शादी होगी थे अठे आया तो जया बच्चा होगा भवन सिंह जी होगा हरा बेटी होगा संतोष जी उनको नाम संतोष जी है और दादाजी की दादी जी की ये बेटा बेटी ही भंवर सिंह जी और संतोष जी तो जब थे स्कूल वगैरह इतनी को नहीं, तो सोचा करता मतलब दादो जी ने लोग की बाग की कह करता क्यूँकी दादोजी बता को नहीं पाया तो थे बताओ हाँ जब लोग कहा था जगह सरपंच थान ने बिन्ना पड़ी गांव में कोई व्यस्ता कोने जन भाई थे बेरोजनता व्यचता जी पूरी तो सब लोग आ काम तो होते ही जब बैंक काम ही हो तो स्कूल आ रही हो तो सब काम हो तो जने गाँव रे भेड़ा कोई पंचायती होती पंचायती करता काम सुधारता सुधारिया हमें तो कही तो तो कौन जन बैठा है जन भाई भाव ने बना दो तो गाँव रो क्या विधायकों भी चुनाव लड़े हो विधायक चुनाव लड़ियो विधायक दो बार चुनाव लड़िया पर दो बार ही आरिया अच्छा अच्छा मैं दो बार विधायक को भी चुनाव लड़े हो पर निकल को नहीं पाया आ, फिर भंवर सिंह जी आया बस संघर्ष करो हाँ दादा जी बताओ हाँ सरपंच तो बने हो सरपंच भी बने थे तो बरदान भी बने हा। हाँ। बेटा ने क्या लिया राजनीति में भवर सिंह जी ने एम एल ए में खड़े भाव सिंह ने बुलाया जुम्मन दादा जी नर्वस कह हो नर्वस की बेटा ने राजनीति में क्या लेके आया बेटा पहले आप करता सरपंच ने एल एमएलए चुनाव लड़िया ने एक तो बहुत से वोटाऊ रह गया और एक बड़े आठ से नौ से वोटा दादाजी रह गया रह गया जनपद कहे हो भाई कितना वोटा हो रिया पहली बार छोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा रहया हां भाई कोई भी विधायक को चुनाव लड़ा है कोई भी एमएलए को चुनाव लड़ा सोलह सो वोट बहुत कम हुई यानी कि बहुत तगड़ी टक्कर हुई केवल दादो जी सोलह सो वोट आ तो दादी जी फिर बेटा ने राजनीति में लेके आया तो सोम पहले के करवायो पहले तो हमें राजनीति में गाँव रहा कहो भाई हमें सरपंच बेटे ने बॉर्डर ने कह तुमने सरपंच जो सरपंच बिना गाँव रहा हूँ जीता यो हम्म जीता चौके वोट आता हो के मैं आर टिकट है में लिया में। हो। एक बार 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 दो हो। अब, अब तीसरी है जनतारी पूरो, पूरो रहे हो, जनता पूरे पूरे जनता सेवक जनता कह तो वोट खा नहीं देर गाँव में तो दूसरे तो को चुनाव लड़ना को नहीं जन और चुनाव लड़ियों दो जीतो तीसरी विकट लिया दुनिया जीता है जन जनता अगली साथ है जनता पूरी सागे तो की जनता ने क्या कुछ थे बोलना चाहूगा को लेत्री जनता ने हाथ जोड़ो भाई धन्यवाद देनी चाहू पहली था जीता ही जीतो एक बार भले जीताओ काम गण क्रिया छोटा मैं मोटा मैं सगला है कोई गलती है तो कोई बंसी काम है तो थोड़ा बकरा दे बाकी रखे को नहीं वोट देो और जीताओ

आज आप जहाँ बात करा तो वही चैबा बारा के बारे में थे बचपन के बारे में बतायो है स्कूल के लिए भी जी शुरू है स्कूल में बहुत राजी राजी खुश जाता। खुश जाता स्कूल खुश खुश जाता तो हम्म स्कूल रोजी जा तो कभी स्कूल एक दिन ही हाजरी गैर हाजरी ओण दे तो कौन है स्कूल टेम मत जा करता बात करा तो जब चुनाव लड़ो सरपंच बनिया दो बार एम एल ए बनया और फिर मंत्री के आज थाने लागे है कितनो का यहाँ महसूस हुआ है कि भाई की भाई की जनता है भाई इतना प्यार दियो बेटा ने विधायक बनायो मंत्री बनायो कौला जनता पूरा प्यार दिनो कौला त्री जनता आप बेटो कर मान्यो कौला जनता सागे होती है चुनाव लड़िया चुनाव जीतिया है और बड़े कॉले मन घनी खुशी हुए भाई पूरी जनता इ माते खुश है तो मैं खुश हूँ और कॉले तो जनता बिच ही रहे छोटो मोटो कोई आज आ जा तो नहीं तो वही हुई हाँ सरी बोलियो छोटो रे तो आज जा हाथ फेर साके राग तो और बड़ा रे आज जोड़ पगे लाग रे सागे रहे एक ही है हमारे काल जेरो टुकड़ो है भगवान नहीं रे हजारी उम्र करो राजी खुशी राखो भगवान जनता चौखा चोखा काम कराओ और खुश आशीर्वाद मिलो जय की मंत्री बनाया था महसूस हुए कितनों का गर्व महसूस हुए की आज मेरे बेटो मंत्री बन गो मंत्री बने जो मान्य तो खुशी तो गणी हो जनता जनता माथे है जनता वोट देना है जनता बनायो काम जनता रो करियो

थे खुश रहता ने मतलब ने थे ये खुश है की बेटा मारकन मत मतरा जनता को मार कहती बेटा जनता रो काम कर मारकन ने नारा जनता में रह जनता रो काम पूरा काम करो कोई जनता को मारे कहती करो तो पूरा पूरा पूरे विकास करी काम कोई कमी राखी को जनता रात दिन एक करी उड़ाता जैकि थे आज गांव में रहने लाग रहे हो जो विधायको हुए मंत्री ही बात तो बहुत बड़ा बड़ा बंगला मिली ही जो पूर्विखानेर थे भी रहे तो आज गांव में क्या रह रहे हो मतलब गांव ने क्यों कौन छोड़ना चाह रहे थे मारी गांरी जनता मारे सागे है कोई काम है तो भी मारे मार काम करना है तो मैं बैठा हो तो मैं फोन भी जो बात करके दो काम करना है तो काम जरूर हो इन वास्ते मैं गांव में बैठा मतलब गांव गांव ने क्यों को तो नहीं छोड़ना तो है मैं गाँव जनता मारे सागे है और तरह पूरा मारे गिरा बात करे जा तो, जा को हुए है, तो मैं, जा मतलब मैं, मैं, जा मैं, तो मैं बैठ जाओ तो जनता मिले क्यों बात करे मैं बैठा हुआ प्रधान जी खन जाओ तो यहाँ आप हुं थोड़ी कम हुए तो मारे खाने आवे तो मैं सुनाई करू सुनाई करू कोई बात हुए तो जयपुर तय फोन करूजती करू तो भाई बहुत बढ़िया दादी जी बात बोल रही है की भाई गांव ने मैं कोहलाइत की जनता से कौन छोड़ना चाहूँ तो कोलाहित की जनता ने यही प्यार आशीर्वाद बना के राखना है और एक चीज और थी नोट करी के की भाई अगर मैं गांव ने छोड़ दियो तो कोई फोन कर पावा है कोई को नहीं कर पा हुआ है मेर जयपुर में बीकानेर जाके बैठ जाओ तो जनता बड़े तक कौन नहीं पहुँच पावा तो जनता के खातर थे आज जहाँ गाँव में रह रहे हो हाँ मैं जनता के खातर गाँव में रह हूँ जनता में लारे फिरे ऊपर जावे खाने भी का नेर जावे गाड़िया में जावे वे हुए, तो, में है जो को में भी करा हूं, तो ही पोच तो करा थोड़ा काम हो जी जी काम हो जी। तो दादी जी पूरा तो घर ने संभाले हो पूरे घर ने तोल कोई आवाजा कर दे झाड़ू पोछा कर दे रोटी बना दे बैठा गाय रखो धीने बने मारे को कोनी तो बोर पोता पोती बोकरी है जन भाई आ, आ, अच्छा, 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 आ जाओ बेटो मतलब विधानसभा में बह संभाल और बहु बच्चा ने पढ़ा रहे और थे पूरी जनता देखने लाग रहे हूँ मैं जनता यहाँ जनता ने संभा जनता आवे जनता ला रहे कटे फिरे गाँव में तो जनता आ जाओ तो मैं सुना ही करा कोई बात हुए तो मैं कहवा सब जनता को कई सक्षम भवन सिंह जी का केलागो गो मैं बड़ी बहन लग अच्छा बड़ा पापा री बेटी मारो गांव तो खिंदा सरपीरो है और ससुराल मारो पाकिस्तान रेलवे मंत्री लक्ष्मण सिंह सोडा YouTube माथे आप भी सर्च करें देखा ही जो झलक वाला भी तो लक्ष्मण सिंह सोडा उप रेलवे मंत्री रेवड़ा पाकिस्तान रा सोडा परिवार दो लाख बठो इंसान छत्तीस की कौम ने लेर पदारिया था थे। और सन इकोत्तर वाली लड़ाई लड़ाई हुई जकी मारे ससुर जी खातर हुई थी बड़ा ही मतलब पूरा सहयोग दिया तो भारत ने और भारत ने मतलब यानी ससुर जी पाकिस्तान वाइड आई हाँ पाकिस्तान वाइड है और अठे मारा ससुर जी प्रधान रहे चौटन रहा तो ससुर जी अभी नहीं है नहीं हाँ और सासू सासू माँ है तो सासू में आप बात करें तो बस सारी बात आपने साथ में बता हाँ, जरूर तो सानू बया जरूर रुकम पर आपने बाली, आनो पड़ी। बाली आनो पड़ी। पाली के पास में बाली पाली के पास में बाली हाँ बाली तहसील है आ आज थे जनता के बीच में घूम रहे हो देख रहे हो तो क्या चीज में थे फील कर पा रहे हो यानी कि जनता था कुछ बोलन लाग रहे हैं हिन्न सिंह जी के बारे में जनता के बीच में जाऊँ जन शाम अपार खुशी हुए इतनी खुशी वे के मैंने आपने मार शब्द को नहीं के वे आपके सामने रखू मतलब वे खुद चलार माने कही अरे भावर सिंह वोट कई मांगो आप, आपने इतनी दूर क्यों आनो पड़ियो आप क्यों फिर रही हो मैं तो वोट तो बहुत सिंह नहीं देना मारो काम देखियो जावे मतलब मॉर सिंह काम इतना कुछ कराइ मैं मतलब पहला मडिया आप तो समझता नहीं बोला मडिया सड़क बने पे सड़क बने पछे मतलब डबल रोड बने पच्चे मतलब पैंतीस साल में हमारा कुछ विकास हुआ ही नहीं जैसे ठप पड़ा था हमारा कुछ विकास हुआ ही नहीं मतलब आप जीरो परसेंट मैं कहूंगी कि कुछ भी विकास नहीं हुआ मतलब स्कूल ठप पड़ी मतलब मारे कहने मतलब है की स्कूला बनी ही पर टीचर नहीं स्कूल बंद पड़ी बढ़े टीचर नहीं है पर टीचर चालू करेट दो दो री रिजरू थी चार री रिजर थी तो बहुत सिंह और पांचवी आठवीं आठवीं दसवीं 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 बारी पांचवी आठवीं बारवी और कॉलेज अच्छा अब आप विकास कितना तो चाहिए आपने और रोड वगैरह की आपसे बात कर लेंगे रोड आप देख लो अबे हमारे मतलब चारनाल ब्रांच मैं चारनाल ब्रांच हूँ बज्जू बजू वाल तो वटेरी सड़क इतनी टूटी फूटी कि मतलब चार घंटा लागता बीकानेर अच्छा चार घंटा साढ़े चार घंटा लागता आज आप डेढ़ घंटे दो घंटे में पहुंचो तो खाना पीना के लिए चूरमो बाजरे की रोटी दही या चूर सारी चूर चूरमो तो चूर ही देखो आई हुए थोड़े गाल घी तो खावे कोनी हमें तो घी खावे कोनी रोटी चोपर दान तो बा नहीं दुखी रोटी लाओ क्यों पहले तो चूर मकर देता जिम लेता अब तो चो रोटी चोपड़ी जब बेटो बारे रवे है खानो खाय तो मैं चिंता तो हुई है कने खाना खाए याद मैं तो रोटी जीवा कने में बात तो चिंता मैं रात दिन रेवी है रात दिन फिर है जन भूखाती आप जनता है जन काम करतो तो फिर मैंने चिंता तो रेवी है भगवान थे गिरा क्या जगतम भी गिरा को तो आई शिवरो चिंता तो वही है जब जनताओं थे मिलो हो जाओ हो अब जाओ हो चुनाव का नए है जद जनता के बीच में जा रहा हो या पहले भी जाया करता जनता तो के बीच में पहले जावा यहाँ कोई काम हो बोले जावा तो आज जनता के बीच में जाओ हो पहले हम भी जाता आ रहे हो दस साल में जा लोगों के बीच में जाओ हो तो लोगों को तो था प्यार प्रेम कितोक सने के कुछ मतलब लोग बोल रही बेटा के लिए थारे लिए भाई लोग मानो बेटे लिए पूरी आशीष देवे और अने चुनाव में फिर जमाने तो लोग कहे है वोट में बहुत सिंह नहीं दिया बॉन सिंह और बीच में रहने शुद्ध है, है। बार्शिंग बार्शिंग नहीं दिया। तो लोग आदमी जनता कॉलेज पूरी पूरी कॉलेज है ज्यादा चाहे सानू ही नाम है ना हाँ। थारी भतीजी को तो थारी भतीजी से बातचीत करना लग रहा है तो मैं मैंने एक बात बताई की मैं मैंने पूछो की पापा की दो अच्छी बात बताओ तो दो बुरी बतायु बोली पापा में बुरी बात है कोने। तो थे बताओ धर भाई के बारे में सही बोली भाई एकदम मतलब बिल्कुल बुरी कोई बात को नहीं। एकदम सीधो सरल स्वभाव है।, मतलब सामने, सामने हाँ है तो तू कह के भी बात करा या नहीं।, नहीं और कोलायत्री में देखे हुए मैं हर बच्चों बच्चों भी आज जाने है की भवन सिंह भाटी कौन है नहीं तो आज विधायक नहीं कौन जाने लोग मंत्री ने तो किया जाने तो आज मैं जटे क्षेत्र में अभी घूमू तो देखू हूँ कि छोटो सो बच्चों भी कहवा है कि हाँ भवन सिंह भाटी ने ही वोट देना है हमारे सागे चाले हुए कि मैं वोट मांगागा मैं भंवर सिंह भाटी ने अच्छे से जाना हाँ, तो आप बहुत अच्छी बात है कि मैं मतलब सब हूँ मिलनसार है कोई अहम को नहीं और मतलब बहुत विनम्र है जैसे अभी थारी भतीजी बात करे तो मैं बतायु की भाई जब देखो सरकार में विधायक हुई मंत्री हुई तो मां ने घूमन खातर थोड़ा सो बारे घूम के आवे चाहे विदेश में चाहे विदेश अपना देश के अंदर तो मैंने बजट मिला है पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख तो मेरे बजट मिला है तो थारी भतीजी बताने लग रहा है की मैं बोली पापा प्लीज मन दे दो अभी आ रही सामने देखो काफी बच्चा कैमरो फेस को नहीं करना चाहूँ तो अभी सामने आ रहे है को नहीं नेरा सारा काट लिए बागा तो वो बोला की भाई मैं पापा का नेरा काट लिया कि, पापा मैंने दे दो मैं घूमया से उतार का नहीं इतना तो टाइम को नहीं प्लीज पापा प्लीज पापा तो भाई एक बात बोला कि मैं तलने दूंगा बेटा रुपया तू तो घूम के आवेगी इन बढ़िया मैं मेरी जनता के बीच में कोई छपरी बनाऊंगा मनी यह हाँ। बात इतनी अच्छी लगी ना कि यार एक मंत्री एक विधायक यह बात बोल रहे हैं कि मैं दस पंद्रह लाख रुपए हम तो घूम के आवेगी नीच में के होल बना दूंगा एक छपरी बना के दूंगा तो ये चीज़ने चीज़ने ने ने देखी, मतलब मैं काफी प्रभावित तो हूँ हाँ आज कोलायत रो आप विकास देखो तो मतलब पहले कोलायत में आजादी रे बाद कोई काम को नहीं हुए हो कोलायत एक तरह आप समझ लो जंगल रे रो मतलब ना रोड ही ना स्कूला ही बच्चा मतलब जानता ही कोनी नहीं कहा पढ़ाई और कॉलेज तो बहुत दूर रही बात है अब तो मतलब स्कूल से लेके स्कूला मतलब सारी स्कूला क्रमोन्नत हो बारहवीं तक मेरे बाद में महाविद्यालय भी बनिया है आठ आठ महाविद्यालय बनना एक ही सत्र में मतलब बहुत बड़ी बात है और मेरे सागे सागे स्वास्थ्य केंद्र बनिया है खेल राम मैदान बनया है और मतलब बिजली में जय आप विकास की बात करा तो दादा जी कोई भी बोल रहे राम राम करी दो <laughs> और भाई एक चीज दादाजी की थोड़ी सी याद आश है पर थोड़ी सी कमजोर है तो कोई बोल रहा है कोई बारह आवा है तो एक बहुत अच्छी बात लगी मैं तीन बार अंदर बारह जाके अंदर आई तीन बार मेरा राम राम करी कितना मतलब सॉफ्ट एकदम तुम सरल स्वभाव है पिताजी रो बिल्कुल जिसो पिताजी रो स्वभाव है विशो ही भाई साहब रो भी स्वभाव है बारे नक्शा कदम पर ही सेम मतलब आज भी लोग कहवे है हैं की रघुनाथ सिंह जी विसा ही सिंह जी रो भी स्वभाव है मैं फिर छोटा भान रही हूँ तो भान भाई के बीच में लड़ाई झगड़ो होना एक स्वाभाविक बात है तो कभी थारा बीच में या थारा भाई कभी तारी चोटी खांसी नहीं क्योंकि मतलब महार दोनों के बीच में काफी अंतर है मैं 12 साल छोटी हूँ अच्छा। तो मारे लिए एकदम मतलब पिता रे समान समझा है मैं कभी मतलब माँ दोनों में लड़ाई को नहीं हुई मतलब हमेशा मैं भी रिस्पेक्ट करी भी हाँ बड़ा भाई है तो बेसाब भी, भी रहे हाँ। तो जनता के बीच में जाओ विकास देखो तो विकास के कुछ रोड कह रही हूँ पहले मतलब यहाँ रोड आप चाल ही कौन सकता बहुत टाइम लगता तो कोई भी रास्ता में जिया, दो घंटा लागता पहले तो अब वो आधी घंटा में ही वो रस्तों कवर हो जावा और कॉलेजा बन गई तो बच्चिया जिया लड़कियां पहले बहुत पिछड़ी मतलब है कोलायत आप जाओ तो मतलब पाकिस्तान बॉर्डर लाग है कोलायत क्षेत्र इतो बड़ो है अच्छा पाकिस्तान बॉर्डर भी लग है हाँ भूरा सर मतलब कितनी दूर हड़े पाकिस्तान बोला तो काफी 200 300 किलोमीटर मतलब है बुरा सर है कोलायत कहीं लगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को बॉर्डर बुरा सर लागे है वो कोलायत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक ही है तो बैठे देखा तो मतलब बिल्कुल समझता ही, ही लाइट हो है मतलब कहीं सड़का है पर आज और और तो और वे लोग वोट देने भी को नहीं जाता है पहले रे टाइम में पर आजकल जनता इतनी जागरूक होगी मतलब विकास रे बाद में सड़क बढ़ गई है स्कूला बढ़ गई है बच्चिया पढ़ रही है कॉलेज में जा रही है तो मैं सब समझे है तो आजकल भंवर सिंह भाटी ना बोल के वे बाने विकास पुरुष बोलन लग गया है जद मैं बैठे ही जद मैं सोचो मैं भी जार देखा तो सही जद देखियो तो भाई साहब आया मतलब एकदम पसीने हूँ कपड़ा पूरा गीला होएड़ा और जनता मतलब इतनी भीड़ लगभग 10 से हज़ार लोग आया हाँ दस पंद्रह हजार है। इतनी बीड़ी गाड़िया मतलब रोड पूरी ब्लॉक हो गई ही कोलायत्री और मतलब यहाँ गोदी उठा ले रहा है तो बिना देख कर लागे है की हाँ आज काम करवायो है लोग काम रे बदले में ही देखो वोट देवे है आजकल जनता समझदार है तो वो इतो काम करवाया इतो विकास करवाया है जदि लोग असीम प्रेम मिले जदि वह इतना लोग इकट्ठा होया है तो बहुत अच्छो लागे मतलब कि वह कितनी मेहनत करी है और मतलब आज दस साल हो गया विधायक बने पांच साल तो चलो सरकार को नहीं है मेरे बाद में पांच साल में इतना काम करवाया है पर घर रे वास्ते मतलब टाइम बहुत कम मिले है माने बच्चा भी वेट करता रहे वे के रह हाँ पापा आसी मैं पापा रसा के बारे जावा खानो ना, खानो ना। खावा घुमा फिरा बात करा तो वो बहुत कम हुआ क्योंकि ज्यादातर वह मतलब बारह एक बजे तक घर में आवे जब तक बच्चा सो जावे और सुबह जल्दी निकल जावे जब मिलनो भी बहुत कम हो पावे और कई बार तो यहाँ हुआ बच्चा ने कोई काम हुआ वे फोन करे तो फोन बच्चा रो भी कोनी उठाई जाए क्योंकि मैं देखूं तो क्षेत्र इतना बड़ो है जब मैं देखूं बटे भी रोड बन रही है फिर भी लोग के के मारे तो शादी में भी आवे है, मारे तो कोई भी काम हो जी है। <laughs> कि आ, टाइम निकाले है और इतना धोरा रही रोड मतलब ए सी है ढाणी रही बाकी तो रोडा अच्छी बनगी जहाँ काफी काम करवा दियो फिर भी इतो इत बड़ो क्षेत्र है तो सारो काम एक साथ होना पॉसिबल को नहीं तो अब जो बाकी है वो काम भी धीरे धीरे हो सी कुछ स्वीकृत है और कुछ होनो बाकी है वाले टाइम में हो जासी तो पर विकास विकास काफी काफी है इतने बड़े क्षेत्र रे अनुसार काफी विकास हो यो और बीच में दो साल में कोरोना रे टाइम में बिया को नहीं हो फिर भी तो काम करवाना बहुत बड़ी बात है बिल्कुल तो आपने जो कोलाइट की जनता देखने लग रही है अपने राजस्थान का लोग देखने लग रहे हैं बन के कुछ बोलना चाहोगे जनता आई अपील है की जी आप वो प्यार बनाए वे दस साल में भी यही अब की बार भी विजयी बनावे और वो प्यार वापस बनाए रखे जो काम बारा होया है वे तो स्वीकृत है और जो काम नहीं होया है वे आने टाइम में पांच साल में वे भी पूरा हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद झलकों के साथ में जुड़की था नाज की शो के लगे बहुत तो अच्छो लगे आप अपनो टाइम निकाल इतनी दूर पा नहीं तो मतलब गावा में तो को नहीं आई जे <laughs> जब भावर सिंह जी गावा के अंदर ढाणिया के अंदर जास के ही और थे जास को तो आस का <laughs> भाई जाना तो सुनो मंत्री की फैमिली है बाकी रह रही है सही है लोगों ने यह लगा की भाई मंत्री की फैमिली है बाक आज का बंगला में रह रही होगी तो बहुत ही रह रहा होगा ना बिल्कुल ही अच्छी है बिल साधारण फैमिली एकदम नॉर्मल फैमिली है मतलब इतनो साधारण इतनो को अच्छो स्वभाव है एकदम साधारण फैमिली है जहाँ गाँव में रिया कर बी तरीका में रह रहे दादाजी थक तो नहीं गया हो बैठे बैठे नहीं नहीं, नहीं। को नहीं।, नहीं, नहीं थक गया बैठे रहोगा थोड़ी देर और बैठा थक रहे हो तो राम जा की सोस को हो नहीं नहीं आया के आया बताओ लोग बाग आया करी को नहीं अभी थारखंड जनता अवे है आपका काम खातर आवा है के बाका काम करवाओ हो को नहीं करवाओ करवाओ जब जनता जनताओ मिलो हो तारे गांव का लोगों मिलो तो लाग लाग क्या लागे है थाने ठीक लागे लागे है आपकी बार थाने अब बार सरकार तो कांग्रेस बनेगी सारी वीडियो के माध्यम से देखा कि भाई कोलाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आया और है और हदा गांव है भी के अंदर आया जो भवर सिंह जी जो भाटी ही बनका गांव के अंदर में आया हदा गांव के अंदर पूरे परिवार को आज इंटरव्यू लियो हो बा पिताजी माताजी सिस्टर और बन की रियल सिस्टर संतोष जी और बाकूब घर पूर्व में दिखाया बिल्कुल साधारण घर है बिल्कुल साधारण आदमी ही और बहुत ही अच्छे उनको स्वभाव है बहुत ही प्यारो बात कर रहे हैं यानी कि की फील को नहीं होने लग रही हो कि एक मंत्री की फैमिली मेरे साथ में है एक विधायक की फैमिली मेरे साथ में है, दो बार विधायक रहा दो बार मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा और ऊर्जा मंत्री रहा तो बहुत ही अच्छो लगे फैमिली मिल मिलकी तो दादी जी जाता जाता अपनी जनता के कुछ खनो चाहूंगा बहुत बढ़िया लग्यो थारो मिलगी थाने का यहाँ लगे हमारा मिल गई बहुत बढ़िया लागो आपने मिलकर अरे जो बहू ही ना क्षेत्र का है मैं भी झुंझुनू का ही हाँ जुड़े अच्छा लगो अच्छा लगे अच्छा लगो तो अब, जाता जाता। अब देखो के हमारा हाथ जोड़ तो आई धन्यवाद है था आपने और हाथ जोड़ हमारी तो विनती है की वोट देो जीतो एक बार और जीता दो आपका काम बाकी रह रहा है तो पूरा काम तो कर ही कोई भूल है तो पूरी सारी पूर्ति कर जनता आई कहूँ और कोई भी मन में खटास है कोई भी मन में तो सगला शांत हो सगला मिलकर काम करो मिलकर वोट देो जीताओ और अभी फिलहाल झलकों की टीम आईडी है कोलाइट के अंदर बीकानेर के अंदर तो बीकानेर कड़े के देख रहे हो थे कमेंट जरूर करियो और थे भी थारे गांव के अंदर थारे शहर के अंदर चुनावी यात्रा करवाना चाहो हो तो जरूर कमेंट कर दियो मैं बैठे भी आवांगा और थारे क्षेत्र के अंदर भी मैं बिल्कुल चुनावी यात्रा करांगा कोई भी कमी है अच्छो काम हो तो अच्छो काम दिखावा कड़े जो कमी है तो बा कमी भी आप जरूर दिखावा